सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का वेलकम करते गाइस एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस यार, आज हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए इंटरनेशनल T10 कप का मैच नंबर 3 लेके। और अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस मैच नंबर 1 और 2 कब हुआ। सो गाइस यार, हम लोगों ने मैच नंबर 1 और 2 कर लिए थे लाइव स्ट्रीम के अंदर, लेकिन अभी आगे के मैच जो है वो आप सभी को वीडियोस के तौर पर देखने को मिलने वाला है। तो थर्ड मैच जो है इंडियन टीम का साउथ अफ्रीका के साथ है, और इसके बाद जो फोर्थ मुकाबला होगा वो बांग्लादेश के सामने होने वाला है। और पहला 2 मैच जो है टीम इंडिया हार चुकी है। तो और देखा जाए तो गाइस इस सीरीज के अंदर सारे ही मुकाबले के अंदर 10 ओवर के अंदर 140 से 145 का स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे एक बार गौर करने वाले है कि यहां पे अगर आप चेस भी करते हो तो वो भी आपके लिए ईजी नहीं है, और अगर पहले बैटिंग करते हो तो भी आपके रन को बचा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। सो चलिए देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आप सभी के सामने है, तो आप सभी इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो डीन एलगर साउथ अफ्रीकन टीम के कप्तान है, और हमारे इस सीरीज के अंदर कप्तानी कर रहे हैं विराट कोहली। और हमने टेस्ट के लिए कॉल करा था, साउथ अफ्रीकन टीम ने टॉस विन कर लिया, और टॉस विन करने के बाद पहले बॉलिंग करेंगे साउथ अफ्रीका। कगिसो रबाडा को जो है यहाँ पे बॉलिंग दे दिया गया, तो एक ही मंत्रणा के साथ बल्लेबाजी करने पड़ेंगे कि आपको 140 से ऊपर का स्कोर लगाना है स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि उससे कम का स्कोर तो वैसे भी हम बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने सेकेंड मुकाबले को देखा होगा तो आपको पता चला होगा गाइस लाइव स्ट्रीम के अंदर 21 आखिरी ओवर के अंदर पड़ गए थे जसप्रीत बुमराह को, तो उससे तो कई गुना बेहतर स्कोर हमें आज करके दिखाना पड़ेगा। और इसलिए 3 स्पिनर को हम लोगों ने प्लेइंग 11 के अंदर ऐड करा ताकि तेज गेंदबाज को मार पड़ेंगे तो स्पिन गेंदबाज बचा लेंगे। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने इस इनिंग का पहला छक्का मारा है, और पहले 4 गेंदे स्कोर 7 रन है वैसे टीम इंडिया का। सो आप लोग बताना गाइस ये T10 सीरीज कैसा होने वाला, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे 5वीं गेंद के ऊपर अपील तो कर रहा है, लेकिन अंपायर देखो यार, हमेशा अंपायर कहेंगे नॉट आउट, क्योंकि अंपायर का रूल है गाइस हर बार अपील करने पर नॉट आउट ही देने वाले हैं। तो इस ओवर की आखिरी गेंद एक और बार बड़े शॉट की कोशिश करी थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद पड़ने के बाद तेज गति के साथ अंदर की तरफ आ गई, और गेंद पड़ने के बाद नीचे भी रही है, और यहाँ पे बल्लेबाज को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। के राहुल नाखुश देखिए अपने आप से, रोहित शर्मा इस ओवर की पहले गेंद, और इस बार गेंद पड़ने के बाद अंदर स्विंग होने की बजाय स्ट्रेट चलेगी। तो कहीं ना कहीं पिछले ओवर के अंदर जो इन लोगों ने सेटअप करा था वो सेटअप के अंदर अब फंस रहे हमारे बल्लेबाज। अब 2 नए खिलाड़ी हैं, 2 नए ओपनर्स कहना पड़ेगा, और यहाँ पे कोहली से पहले आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। सेकंड वाले मुकाबले के अंदर भी काफ़ी बढ़िया पारी खेला था श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने। सो इन दोनों को बैटिंग ऑर्डर के अंदर प्रमोट करा है, और अभी तक इस फैसले को ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने काफ़ी बढ़िया साबित करा, सही बढ़िया बल्लेबाजी। अभी तक इस ओवर के अंदर 2 छक्के आ चुके हैं, और ऋषभ पंत से इसी तरह के बढ़िया बल्लेबाजी की उम्मीद हम करने वाले हैं। ओवर के 4थी गेंद है, बड़े शॉट की एक और बार कोशिश करिए, 30 यार्ड सर्कल को टपा देंगे, तो यहाँ पे आपको आराम से चौके और छक्के देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी ग्राउंड छोटा है तो हाई स्कोर इस मुकाबला तो वैसे भी हमें देखने को मिलेगा। ऋषभ पंत पहले 3 गेंदे 16 रन, और यहाँ थोड़े समय के लिए लगा कि गेंद हाथों में चली जाएगी, लेकिन बढ़िया शॉट के साथ ओवर का अंत करा। पहले 3 ओवर में 38 रन 2 विकेट गंवाने के बाद अभी तक बल्लेबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिली है, और श्रेयस अय्यर इस ओवर की पहली गेंद थी बढ़िया बल्ले से निकला, मिल जाएंगे 6 रन। एक और बार बढ़िया बाउंसर गेंद थी, समझ नहीं पाए थे आएगी डॉट गेंदी, 3.4 गेंद स्कोर है 45, और इनको लगता है कि यहाँ पे ये आउट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ओवर की 5वीं गेंद है ऋषभ के लिए, और बिल्कुल यहाँ पे इनको लगा कि बैकवर्ड से शॉट खेले को जाएंगे, लेकिन जब गेंद पड़ने के बाद नीचे रह रही है तो आप फ्रंट फुट से खेले तो फायदेमंद रहने वाले आप। ओवर की आखिरी गेंद है, वैसे अभी तक पंत का स्कोर है 6 गेंद है 26 रन, इस बार शॉट खेलने का टाइम नहीं दिया, गेंद हवा में गई है, टाइम ही कर नहीं पाए, नीचे फील्डर आएंगे। पिछले मुकाबले के अंदर ऋषभ पंत की बैटिंग बहुत शानदार रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अर्ली आउट हो गए। नोकिया की नाम है एक और बहुत बड़ी सफलता, और साउथ अफ्रीकन टीम पकड़ यहाँ थोड़ी सी मजबूत कर रहे हैं। ऋषभ पंत गए यहाँ पे एक और बड़े शॉट के लिए गए तो थे, लेकिन शॉट खेलने का टाइम नहीं मिला, टाइम ही खराब हुआ, और जाना पड़ेगा बाहर। नए बल्लेबाज आए कप्तान विराट कोहली सीरीज के अंदर, यहाँ पे पहली गेंदी हवा में गई है लेकिन चलिए गैप के अंदर है, और 30 यार्ड सर्कल क्रॉस कर देंगे तो आपके लिए 4 रन तो देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया शॉट थी पहली गेंद के ऊपर, लुंगेंगिड़ी अपना पहला ओवर कर रहे हैं, और ये थी स्लोअर गेंद, लेकिन विराट के सामने अगर फुल टॉस गेंद डालेंगे तो इसका
फुल टोल वसूल करेंगे। मार दिया गेंद को बगीचे के अंदर, मिल जाएंगे छः। दो गेंदे 10 रन बटोर चुके हैं अभी तक वीके। अभी देखना पड़ेगा लुंगी एंगिड़ी किस तरह से कम बैक करने वाले हैं। अभी तक इस ओवर के अंदर काफ़ी रन्स खा चुके हैं। एक और बार बड़ी शॉट की मंशा, टाइम ही खराब हो गई है इस बार। और वही 30 सर्कल के पास पकड़े गए और बड़ी विकेट मिली है इस बार वापिस साउथ अफ्रीकन टीम को। नए गेंदबाज है केशव महाराज और स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी वीकनेस कहना पड़ेगा क्रिकेट 22 के अंदर के, यहाँ पे रन्स काफ़ी पड़ जाते हैं स्पिनर को। और यहाँ बल्लेबाजी कर रहा है विंकी और विंकी ने पहले गेंद को बाहर से घसीट के मारा है। यहाँ पे 4 रन, गेंद पड़ने के बाद काफ़ी बार स्पिन कर रहे थे लेकिन गेंद को घुटने पे लिया और घुटना टिका के मारा 4। और ओवर की आखिरी गेंद तो घुटना टिका के जड़ दिया 6 रन और ये बहुत बड़ा छी गया है बल्लेबाज के लिए। केशव महाराज का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा कर दिया यहाँ पे वेंकटेश अय्यर की काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी। अगली 24 गेंदे मैच डिसाइडर होने वाला है। श्रेयस अय्यर इस ओवर की पहली गेंद है, लुंगी एंगड़ी पहले ओवर के अंदर भी काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। और एक और बार यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने गेंद को भेज दिया बगीचे के अंदर, एक और बहुत बड़ा 6 रन देखने को मिल जाएंगे। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदे 2 छक्के खा चुके हैं। ओवर की 3rd गेंद है, स्ट्रेट गेंद आएगी पड़ने के बाद, फुल टॉस गेंद है और सीधा गेंद को बाहर ही भेजा। कप्तान डीन एल्गर जो है वो लुंगी की इस गेंदबाजी से काफ़ी नाखुश हो रहे हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जड़ देंगे लगातार 4 गेंदों के अंदर 4 छक्के। श्रेयस अय्यर कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले के अंदर देखने को मिल रहा है वैसे इनसे। हालांकि आज विराट कोहली से पहले बैटिंग के अंदर प्रमोट करा गया था और अभी तक बैटिंग काफ़ी कमाल की करी है। ओवर की आखिरी गेंद है और बिल्कुल 4 के साथ नहीं, ये ओवर ख़त्म होगा 5 छक्कों के साथ 30 रन का। ये बहुत बड़ा और महंगा ओवर ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। 8वीं ओवर केशव महाराज पहले ओवर के अंदर 14 रन खाए थे। वेंकटेश अय्यर एक और बार शॉट गई सामने की तरफ खेलने के लिए लेकिन इस बार शॉट में उतना दम नहीं था। इस बार पकड़े गए सामने फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे और बड़ी विकेट वैसे, क्योंकि अभी आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा है, उसके बाद अश्विन है, तो बैटिंग में उतनी कुछ गहराई तो नहीं करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या की कमी यहां पे खल सकती है। ओवर की पहले गेंद पे विकेट लेने के बाद एक और बार बड़ी शॉट की मंशा थी श्रेयस अय्यर के लिए। पिछले ओवर के अंदर ही 5 छक्के लगा चुके थे लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद अंदर स्पिन भी और नीचे भी रही। ओवर की एक और बढ़िया गेंद है, हवा में गई है और रन का प्रयास क्यों किया जबकि यहाँ पे फील्डर सामने ही थे। और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बिना खाता खोले भी। अब रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की उम्मीद तो करेंगे, हालांकि जडेजा से काफ़ी उम्मीद है टीम इंडिया को। अगर यहाँ से आप 140 भी नहीं मारते हो तो फिर काफ़ी लो स्कोर कहना पड़ेगा और आराम से साउथ अफ्रीकन टीम जीत जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बढ़िया शॉट मारा है केशव महाराज की इस स्पेल की आखिरी गेंद थी और जड्डू की ओर से बहुत बढ़िया शॉट मिल जाएंगे छे। वैसे यार जड्डू के शॉट के एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करके 300 लाइक गाइस पहुंचा देना। 9वें ओवर की 2री गेंद, फुल टॉस गेंद करी है, बढ़िया शॉट। भुवनेश्वर कुमार पहली गेंद डॉट गेंद खेला था लेकिन इस बार बढ़िया कनेक्शन कर दिया 6 रन, एक और डॉट गेंद खेल बैठे। ओवर की 4थी गेंद है और इस ओवर के अंदर देखा जाए तो एक गेंद डॉट करवाते हैं गेंदबाज तो दूसरी गेंद पे 6 लग जाते हैं। अभी तक काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है। ओवर की आखिरी गेंद है और यहाँ भी ओवर की ये समाप्ति करेंगे 6 रन के साथ, तो इस ओवर के अंदर आए 3 छक्के यानी कि 18 आ जाएंगे 9वें ओवर से। आखिरी के 6 गेंदे बाकी, अभी देखना ही पड़ेगा अब आखिरी के 6 गेंदे कौन करवाने को आएंगे। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले ओवर के अंदर बहुत बढ़िया खेला था, रविंद्र जडेजा पहले 1-2 स्टेप आगे आ गए थे क्योंकि वाइड यॉर्कर गेंद डाल सकते हैं, यहाँ पे एक और बार टाइम नहीं कर पाए, लेट टाइमिंग के साथ गए शॉट खेलने को और गेंद के ऊपर गति बहुत बढ़िया थी। पहली 2 गेंदे बांध के रखा है, ओवर की 3री गेंद भी बिल्कुल टाइम करना ईजी नहीं बल्लेबाज के लिए और जडेजा गए सिंगल के लिए लेकिन बढ़िया विकेट मिलेगा रविंद्र जडेजा का, बहुत बड़ा विकेट। ओवर की 4थी गेंद है, भुवनेश्वर कुमार फेस करेंगे, गेंद गई हवा में लेकिन इस बार भी फील्डर मौजूद है, मिलेंगे मात्र सिंगल ही बल्लेबाज के लिए। आखिरी के 2 गेंदे बाकी है यहाँ पे और देखना ये पड़ेगा चहल क्या करने वाले। ओवर की 5वीं गेंद, ये वाइड गेंद वैसे देना चाहिए लेकिन देंगे नहीं। ओवर की आखिरी गेंद, अभी तक 1 ही रन आए हैं और शायद 1 ही रन रहेगा। गेंद गई वापिस हवा में, 30 सर्कल के बाहर भी टपा नहीं पाए यहाँ पे चहल। और आखिरी ओवर डील एलगर कप्तान ने करा और दिया मात्र 1 रन और ये मैच के अंदर एक बहुत बड़ा संतुलन बदलने वाला है, क्योंकि यार अगर 160 के आसपास स्कोर लेके जाते
तो टीम इंडिया के पास बहुत बढ़िया चांस था विन करने का। इस टूर्नामेंट का एवरेज स्कोर 140 है, तो आपने बस एवरेज स्कोर लगाया इस मुकाबले के अंदर, जीतने के लिए आपको कम से कम 160 तो करना चाहिए था। अब यहाँ पे बौमा आएंगे बल्लेबाजी के लिए और साथ में होंगे क्विंटन डिकॉक, तो टीम इंडिया के लिए इस सीरीज के अंदर ये वाला मुकाबला जितना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले दो मुकाबले हार चुके हैं आप। ओवर की दूसरी गेंद है, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं और बढ़िया लेंथ पे करना पड़ेगा गेंदबाजी, और क्विंटन डिकॉक जब सामने होंगे तो इस तरह के शॉट जो है आते रहेंगे। इसी बीच बहुत बढ़िया बल्ले का फेस दिखाया था क्विंटन डिकॉक ने और बढ़िया चार लगाने में कामयाब रहे। तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पे बल्लेबाजों को जल्दी से आउट करना पड़ेगा, नहीं तो क्विंटन डिकॉक जिस लय में है बहुत बड़े बड़े शॉट लगाने में कोई समय लगाएंगे नहीं। और वैसे भी आजकल इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर डिकॉक का फॉर्म कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रही है। इसी बीच एक और बार गेंद के ऊपर टाइम बहुत बढ़िया जगह ढूंढ लिया है शॉट खेलने के लिए और बढ़िया गैप चुना था, दो फील्डर वहां तैनात थे लेकिन किसी के पास मौका नहीं। चार के साथ ओवर की समाप्ति करेंगे। सेकंड ओवर की पहली गेंद मैंने दे दी है जुविंदर चहल को और पहली गेंद बैट कैच लगाए और स्टंप करने का तो कोई वैसे भी दिक्कत है नहीं था क्योंकि यहां पे बैट का एज था और बढ़िया विकेट निकाला है जुविंदर चहल ने। आते संग ही विकेट निकालिए तंबा बोमा का और ये बड़ी सफलता है टीम इंडिया के लिए। पहला विकेट अर्ली निकालने का आवश्यकता था और पहला विकेट बहुत जल्दी वैसे निकाल दिए। युजवेंद्र चहल का नाम एक बार चैट बॉक्स के अंदर हो जाना चाहिए। वैरासी वेंडर दूसरे बल्लेबाजी करने को आए हैं और इसको हमसे डर नहीं लगता कि आप पहली गेंद के ऊपर ही जड़ दिया चीरन शुरुआत करा है बहुत बढ़िया शॉट के साथ। अभी हम पार में चिपक क्यों रहे चिपको राजा, फिलहाल यहाँ पे 49 गेंदे 121 रन की दरकार है और एक और बार शॉट बहुत बढ़िया खेला लेकिन वहाँ भी फील्डर को ढूंढ बैठी। तो अभी तक चहल की गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही है। जसप्रीत बुमराह अपने सेकंड ओवर में वापस आ चुके हैं क्योंकि इसलिए गेंदबाजी करवा रहे क्योंकि आखिरी ओवर के अंदर तेज़ गेंदबाज को बहुत मार पड़ती है, इसलिए तेज़ गेंदबाजों का जो स्पेल है अभी अर्ली में निकाल लेना काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने कहा भाई कहाँ जाओगे हमसे बच के आओगे, तो हमारे पास ही पहली गेंद छः लगाने के बाद दूसरी गेंद एक और बार फ्लिक कर दिया है और एक और छः रन। पहली दो गेंदें दो छक्के और तीनों हमारे फील्डर क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं क्या। वैसे ओवर की आखिरी गेंद है जसप्रीत बुमराह के लिए, दो ओवर के अंदर 24 खा चुके हैं और ओवर की आखिरी गेंद थी 24 नहीं पूरे 4 या 6 कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यहां पे चौका दिया जाएगा। अब नए ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार और राशि वेंडर दुसैन, अभी तक 6 गेंदों के अंदर 11 रन जड़ चुके हैं। पहली दो गेंद इस ओवर के अंदर आए 1 रन लेकिन जब तक क्विंटन डिकॉक है ये छक्के और चौकों में जो है डील लगातार करते रहेंगे। एक और बहुत बढ़िया शॉट, एक और फ्लैट सिक्स और कहना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह यही कहते होंगे भाई इंडिया में आके कभी ऐसी बैटिंग करना फिर दिखाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद है, वैसे भुवनेश्वर कुमार को भी काफ़ी मार पड़ चुकी है लेकिन जाते जाते एक और बार 4 का स्वाद जो है बल्लेबाज के नाम होगा क्विंटन डिकॉक, बहुत खास बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब नए गेंदबाज लेके आ रहे हैं सर जडेजा को, गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया करना पड़ेगा स्पिनर को। पहली गेंद है जड्डू के लिए और बहुत बढ़िया शॉट खेला है, दो फील्डर के बीच में बहुत बड़ा गैप था उसका फायदा लिया, पहली गेंद 4 निकल जाएंगे। एक और बारी बहुत बढ़िया शॉट खेली है, फील्डर वहां वैसे तैनात है लेकिन रोकने का कोई मौका नहीं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। इस ओवर का ये सेकंड बाउंड्री था और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रन का बहुत बढ़िया पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो चुका है। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पे कट एंड बोल्ड, जडेजा के हाथों में अगर आप शॉट खेलोगे तो ये कैच बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, बढ़िया विकेट थी वैसे, बहुत बढ़िया कैच भी। वैसे ये मैंने सही बोला ना, कट एंड बोल्ड या कुछ और बोलते हैं इसको, बढ़िया कैच रविंद्र जडेजा के लिए और बड़ी सफलता है। राशि वेंडर दुसैन एक बहुत बढ़िया खतरनाक बल्लेबाज है लेकिन जडेजा ने इनको पहली आउट करके बड़ी सफलता दिलाई है। अब कहीं ना कहीं बस क्विंटन डिकॉक का विकेट मिल जाए तो मैच जो टीम इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। रिक्वायर रन रेट काफ़ी अभी हार्ड है लेकिन ये चीज़ हो सकता है क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है उसका नाम है क्विंटन डिकॉक और ये जब तक हारते हैं तो सीमा रेखा के बाहर ही गेंद को भेजते हैं। पहली गेंद 6वीं ओवर की और भुवनेश्वर कुमार का वेलकम करा है 6 के साथ, 92 मीटर का बड़ा शॉट था 6 के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, बढ़िया यहाँ पे वापसी करा भुवनेश्वर कुमार ने, मिलेगा सिंगल। इस ओवर की पहली दो गेंदें आज के 7 रन
अपील कर क्यों रहे हैं। वैसे बल्लेबाज तो अपने क्रीज के अंदर पहुंच गए ना, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, बल्लेबाज शॉट खेलने के बाद जब क्रीज के अंदर वापस आए, जब ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग करी है तो पांव हवा में था, एक पांव हवा में है और एक पांव विकेट क्रीज से बाहर है, और शायद यहाँ पे अंपायर आउट दे सकते हैं और देंगे क्यों नहीं भाई। गेंद जो है जब स्टंप के ऊपर टकराई तो पांव हवा में था एक और एक बाहर था, तो बड़ी सफलता किलर मिलर के रूप में और बढ़िया विकेट निकाला है। हालांकि यहाँ पे जरूर एक और बार नाम है क्विंटन डी कॉक, एक और बार गेंद को मार दिया आम के बगीचे में और ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ 19 गेंदों के अंदर 50 रन मारा है, 5 छक्के 5 चौके। अब नई गेंदबाज रवि अश्विन को लेके आ जाने वाले हैं, वैसे करियर बेस्ट बॉलिंग है, 2 विकेट निकाल के 9 रन दिए। अब यहाँ से दरकार है कि 23 गेंदों के अंदर 61 रन बचाए, ये ओवर की बहुत बढ़िया गेंद थी। यहाँ पे बढ़िया वापसी करिए, मिलेगा सिंगल, पहले गेंद 2 इसके बाद सिंगल, तो अभी तक गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही है। इस बार अपील करने का कोई फायदा नहीं है। ओवर की थर्ड गेंद क्विंटन डी कॉक सामने, और जब ये सामने आएंगे तो रिजल्ट कैच होना चाहिए। अब तो ओवर की थर्ड गेंद ही बड़े शॉट के लिए गई और कैच होना चाहिए था, लेकिन हमारे फील्डर शायद किसी और को देख रहे थे, अच्छा हाँ उनका गर्लफ्रेंड शायद था वहाँ पे इसलिए कैच नहीं पकड़ा। का कोई बात नहीं, हम क्विंटन डी कॉक के बगैर ही मैच जितवा देंगे टीम इंडिया को। ओवर की चौथी गेंद है इस बार भी हवा में, और जब आप मैच के अंदर गर्लफ्रेंड के साथ मिलेंगे तो फिर ये रिजल्ट होने वाला है। एक और 6 रन, और रवि इस अश्विन की इसमें कोई गलती वैसे है नहीं, 2 लगातार छक्के खाने के बाद इस बार भी बड़े शॉट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार फील्डर ने गर्लफ्रेंड को मारी एक लात और कहा पहले मैं कैच पकड़ूंगा और टीम इंडिया को मैच जिताऊंगा, और बढ़िया कैच पकड़ा है। और रवि अश्विन ने मुकाबले के अंदर टीम इंडिया को वापसी करवा तो दिया, हालांकि वापसी तो पहले हो जाता अगर फील्डर पहले कैच पकड़ लेती तो। अरे यूजी भैया क्या ही कर रहे हो तुम, तो क्या बात है। अब तो यहाँ पे जस्सी भी काफी खुश महसूस कर रहे हैं, एक और नया ओवर लेके आज के रविंद्र जडेजा, पहले ओवर के अंदर दिए थे 12 रन, दूसरे ओवर की पहली गेंद शानदार गेंद बड़े शॉट के लिए गए थे, हालांकि अपील करेंगे लेकिन रहेंगे नॉट आउट। ओवर की दूसरी गेंद 94/4, ओवर की दूसरी गेंद भी काफी बढ़िया थी, लेकिन सामने गैप भी काफी बड़ा है और 4 रन रोक नहीं पाएंगे। हालांकि गेंद को पकड़ तो लेंगे लेकिन गेंद के साथ ही चढ़ जाएंगे सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया ड्राइव मारी थी फुल टॉस गेंद के ऊपर, 15 गेंद 43 रन की दरकार है, और यहाँ पे सामने की तरफ फील्डर जरूर है लेकिन बन जाएंगे दर्शक और घर में ही जाए, एक और बार गेंद को मिल जाएंगे 6 रन। 14 गेंदें 37 रन की दरकार है, और विराट कोहली ना खुश थे, ओवर की आखिरी गेंद जडेजा की और बढ़िया गेंद थी, एक और बार अपील करेंगे लेकिन हमेशा की तरह यह हंसमुख अंपायर आउट नहीं देने वाला है, तो अपील करने का कोई फायदा नहीं। आखिरी के 12 गेंदें 35 रन, अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज गए पहली गेंद पे बड़े शॉट के लिए, और यहाँ पे कैच होने का चांस है और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है जसप्रीत बुमराह ने। ओवर का आगाज बहुत बढ़िया, 11 गेंदें 35 रन की दरकार है और रवि अश्विन सही समय पर टीम इंडिया को विकेट निकाल कर दे रहे हैं। वैसे हालांकि देखा जाए तो बल्लेबाज ने यहाँ पे काफ़ी छक्के लगाए हैं, लेकिन इस बार अश्विन की गेंद पे फंस गए बल्लेबाज, पहली गेंद विकेट है। यार वैसे अभी तक लाइक नहीं करूंगे तो भाई एक लाइक जरूर कर देना। 11 गेंदे 35 रन, एक और बार वहीं पे शॉट मारा है और यहां पे तो आराम से 4 रन बल्लेबाज को देखने को मिल जाएंगे। 9 गेंदे बाकी है, 30 रन की दरकार है। ओवर की चौथी गेंद बड़ी शॉट की मंशा है, गेंद गई हवा में और फील्डर ने चाहने चाहिए और आए तो सही लेकिन गेंद के साथ ही चले गए सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे 6 रन। आखिरी गेंद है इस ओवर की और बहुत बढ़िया शॉट खेला फील्डर, मातिनाद है, रोकना चाहिए कहीं ना कहीं और रोक लेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे थ्रो भी खड़ा है। अब आखिरी की 6 गेंदे करने के लिए आएंगे युजवेंद्र चहल, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग रही पिछले ओवर के अंदर, पहले ओवर के अंदर 10 रन दिए थे वैसे युजवेंद्र चहल ने भी। आखिरी के 6 गेंदे 22 रन की दरकार है, पहले गेंद पे बहुत बढ़िया शॉट है, नाम है हेनरी क्लासन, कमाल की बल्लेबाजी, गेंद को डिपॉजिट कर दिया स्टैंड के अंदर। 5 गेंदे 16 रन की दरकार है और यहाँ पे बैट कैच, ये तो नहीं चाहेंगे हमारे गेंदबाज कि अब बैट के एज लगवा के चौके बटोरे, पहली 2 गेंदे निकल चुके हैं 10 रन अब चाहिए होंगे अगली 4 गेंदों के अंदर 12 रन। हेनरी क्लासन कमाल की यार वैसे बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं, क्या लगता है गाइस टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेंगे या हारेंगे? टीम इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई होने वाला है, अगर नहीं जीतेंगे तो भाई बाहर होना लगभग तय है इस रिस्क के अंदर। 4 गेंदें 13 रन, ओवर की थर्ड गेंद ये बढ़िया गेंद थी, आगे
महत्वपूर्ण डॉट गेंद। अब देखा जाए तो 3 गेंदों के अंदर 13 रन, यानी कि आपको 2 गेंद परफेक्ट करवाना पड़ेगा। ओवर के चौथे गेंद नहीं, फिर से बैट कैच। भाई कौन सा नशा कर रहा भाई, नहीं चाहिए मेरे को बैट कैच की वजह से 4। इस बार तो कम से कम रोक ले, बिल्कुल इस बार जरूर रोक लेंगे, लेकिन जब तक रोकते बल्लेबाज चतुर चालाक थे, मिल जाएंगी 3 रन बल्लेबाजों को। आखिरी की 2 गेंदें 10 रन एलगर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की 5वीं गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, डॉट गेंद वी अपील जरूर करेंगे, नॉट आउट दिया जाएगा, लेकिन इस डॉट गेंद के साथ अब टीम इंडिया नहीं हारेगी अगर नो बॉल वगैरह ना करे तो। ओवर की आखिरी गेंद है, फिर से वही गेंद मारी है, लेकिन इस बार डॉट गेंद नहीं, मिल जाएंगे 6 रन डीन एलगर को। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बाजी मार लिया 3 रनों से, और 5वीं गेंद पे चहल का डॉट गेंद निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं, और आखिरकार टीम इंडिया को इस T10 इंटरनेशनल कप के अंदर पहली जीत नसीब हुई है। नेक्स्ट मुकाबला इंडिया का बांग्लादेश है, काफ़ी रोचक होने वाला है, तो आप लोग स्कोर कार्ड भी एक बार जरूर देख ले, और काफ़ी रोचक मुकाबला हमें देखने को मिला था। सो गाइस रहा, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करोगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करते हैं। एंड रेड वाला आइकन पे क्लिक मारोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आप लोग मैच नंबर 4 को मिस ना कर पाए, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर करें सब्सक्राइब करने के साथ ही। तो चलेगा गाइस, मैं मिलता हूं आप सभी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।